सो गाइस, शुरू करते हैं आज के टॉपिक से, जो कि है स्क्वायर एंड द स्क्वायर रूट्स। बहुत सारे बच्चों को इसमें मुश्किल ये आती है कि अगर स्क्वायर लिखा हुआ होता है किसी नंबर के ऊपर, तो बच्चे स्क्वायर को देख के क्या समझते हैं, 3 2 कर देंगे या 4 2 8 कर देंगे, जो कि गलत होता है। स्क्वायर अगर लगा हुआ है किसी के ऊपर, स्क्वायर का मतलब होता है कि आपने उसी नंबर को 2 मल्टीप्लाई करना है। लाइक अगर 2 के ऊपर कन्फ्यूजन सिर्फ 2 की वजह से ही आता है, क्योंकि 2 का स्क्वायरिंग भी करो तो सेम आएगा और 2 2 भी सेम आता है। स्टार्ट करते हैं। 2 पे लगा हुआ है स्क्वायर, जिसका मतलब यह है कि 2 2 4, सिर्फ ये सिंपल इसका आंसर है। अगर 3 पे स्क्वायर लगा हुआ है तो बच्चे करते हैं 3 2 6 कर देते हैं, जो कि गलत होता है। 3 पे स्क्वायर का मतलब है 3 3 9। 4 पे स्क्वायर का मतलब है 4 को 2 लिखना है आपने, या 4 को 2 करना है मल्टीप्लाई, 4 4 16। 5 पे स्क्वायर का मतलब यह है कि 5 को 2 से नहीं करना है, 5 को आपने करना है 2 5 5 25, इसका आंसर होगा। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। 6 पे स्क्वायर लगा हुआ है तो हरगिज 6 2 नहीं करना है, 6 को 2 करना है मल्टीप्लाई, 6 6 36, ये इसका आंसर है। 7 पे स्क्वायर लगा है तो 7 7 49। 8 पे स्क्वायर लगा हुआ है अगर, तो 8 8 64, ये है आपका आंसर। 9 पे स्क्वायर लगा है तो 9 9 81, इस तरह से आपने करना है। बच्चे क्या करते हैं, 7 2 14 लिख देंगे, आंसर हो जाएगा रॉन्ग। 8 2 कर देंगे 16, आंसर हो जाएगा रॉन्ग। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। 10 की स्क्वायरिंग करनी है 10 10 100। 11 की स्क्वायरिंग करनी तो 11 11 121, यानी कि 11 को 2 से नहीं करना है, 12 को 2 से नहीं करना है। इस 2 का मतलब स्क्वायर है, पावर है। पावर में जब भी कोई वैल्यू होती है उसको 2 लिखना है। अगर 2 है तो 2 लिखेंगे, अगर 3 है तो 3 लिखेंगे। अभी फिलहाल हम स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायरिंग की ही बात करेंगे। 12 12 144, 13 13 169। बच्चे मैट्रिक क्लास में आ जाते हैं पर उनको ये रूल्स नहीं पता होते, अक्सर ऐसा होता है। अब आते हैं स्क्वायर रूट्स के ऊपर। याद रखना है स्क्वायर का मतलब होता है 2, यानी पावर में हमेशा क्या आएगा, 2 आएगा। अब इसको निकालने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये कि आपको पता होना चाहिए कि 49 किसका स्क्वायर है, यानी किन नंबर को आप 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 आएगा। 7 को हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 49, यानी कि 7 7 49। ये पेयर फॉर्म में आ गया है। अब इसे एक बाहर निकाल लो, 7 आंसर, यानी कि 49 7 का स्क्वायर है। 7 को 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 49। अब ये मैंने करा है डायरेक्ट। अब एक और तरीका है इसका, 7 2 है, आप 7 पे कर दो स्क्वायर। ये स्क्वायर बराबर होता है रूट के, इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और ये 7 बचेगा जो इसका आंसर होगा। एक मेथड था ये वाला और एक मेथड है ये वाला, आप किसी मेथड से कर सकते हो इसको सॉल्व। 25 का स्क्वायर रूट निकालना है हमने अगर, आई नो दैट कि 5 5 का होता है 25। 5 एक बार निकाल लो, ये हो गया आंसर। सेकंड प्रोसेस, 5 5 का होता है 25, यानी 5 को हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे 25 आएगा। ये स्क्वायर इस रूट के बराबर होता है, ये कट जाएगा आपस में, सिर्फ 5 बचा, ये हो गया आंसर। इसी तरह से 16 का स्क्वायर निकालना है मुझे, तो मुझे पता है 4 4 सा होता है 16। 4 पेयर फॉर्म में एक बाहर निकाल लेंगे तो ये 4 इसका आंसर जाएगा, या फिर ये 4 2 आया है 1 2, तो 2 पावर लगा देंगे इसके ऊपर, इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा आंसर। इसी तरह से अगर मुझे निकालना है 64 का स्क्वायर, अगर ओरली याद नहीं है 64 किससे आता है तो आप एलसीएम ले लो रफ कॉलम में। ये रफ वर्क मैं कर रही हूँ यहाँ पे, 2 3 6 2 2 4, 2 1 2 1, यहाँ पे गया 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, यानी कि 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6। हम रूट के अंदर 2 को लिखेंगे 6 कितने पेयर्स बन रहे हैं, 1 2 3 पेयर्स बने, हमने 3 बाहर निकाल लिए 2,
पहले के रूट हमने हटा दिया, जब पेयर बन जाता है तो रूट हट जाता है। 2 to the 4, 4 to the 8, ये 8 हो गया आंसर। इसी तरह से मैंने एलसीएम के थ्रू करवाया है, अगर जिसको नहीं पता कि किसका स्क्वायर रूट है, आप एलसीएम निकाल के इसका आंसर ला सकते हैं। और अगर डायरेक्ट करना है तो 8 का होता है 64, पेयर बनाया बाहर निकाल लिया, 8 इसका आंसर। इससे भी अगर मुश्किल हो रही है, एक और तरीका है, वैसे मुश्किल तो खैर नहीं होनी चाहिए इस वाले तरीके से, 8 के ऊपर स्क्वायर लगाना है, क्योंकि 8 दो दफा लिखेंगे, दो दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 64, इस स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा और ये 8 बचा आंसर। यानी इस प्रोसेस से भी 8 ही इसका आंसर आना है। इस तरह से आप हर स्क्वायर रूट का आंसर निकाल सकते हैं। 121 का स्क्वायर निकालना है अगर, तो 11 का होता है 121, 11 हो गया इसका आंसर। 9 का स्क्वायर रूट निकालना है अगर, तो 9 होता है 3, 3 is 9, पेयर बना, 8 बाहर निकाल लिया आंसर। तो आज हमने क्या इस वीडियो में देखा है कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, बच्चों को इसमें बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, अक्सर मुश्किल होती है।